क्या आपको मालूम है सिपाही म्यूटिनी क्या है? ऑन 10th May 1857 इन मेरठ देयर वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड। और इसके बाद ये चिंगारी ऐसी फैली जो पूरे देश को लपेट में ले ली। बहुत से लोग आज़ादी की जंग में पार्टिसिपेट करने लगे, बहुत से प्रोटेस्ट शुरू हो गया और इसके वजह से जो उस समय के जेल थे वो सारे के सारे भरने लगे और इस हद तक भर रहे थे कि अंग्रेज़ों ने नए नए जेल बनाना शुरू किया। उसमें से एक 1866 में बैंगलोर सेंट्रल जेल भी बना। करंटली जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसे फ्रीडम पार्क कहते हैं, पर ये प्रीवियसली बैंगलोर सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता था। इस 1866 में इसको बनाया गया था और टिल 2000 इसमें ये सेंट्रल जेल के ही तौर पे कंसिडर माना गया। लेटर ऑन जब इस गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रही है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स आ रहे हैं एवब कैपेसिटी, तो इसको बंद कर दिया गया और बैंगलोर सेंट्रल जेल को ट्रांसफ़र कर दिया किसी और पोजीशन पे। एक बार बताना मैं भूल गया, फ्रीडम पार्क का जो इनॉग्रेशन हुआ है वो ईयर 2000 में हुआ था बाय एल.के. एडवानी। एंड 1975 में जब एमरजेंसी लगी थी तो एल.के. एडवानी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड देवे गौड़ा, ऑल ऑफ देम वर प्रेजेंट इन दिस सेंट्रल जेल। कभी सोचा कि सेंट्रल जेल को फ्रीडम पार्क क्यों बना दिया? पार्क बनाया तो बनाया, फ्रीडम पार्क क्यों नाम दिया? फ्रीडम पार्क इज अ प्लेस वेयर एनीबडी कैन कम एंड प्रोटेस्ट, एंड इन लिटरल सेंस प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। मे बी दिस माइट बी द रीजन व्हाई दिस पार्क हैज बीन नेम्ड फ्रीडम पार्क। वेल, दैट व्हाट आई थिंक।